हरे गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नाम्नि नमस्ते। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यधिष्ठारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका पुनः स्वागत है इस क्लास में। तो पांचवा अध्याय जो है इसका टॉपिक है नारदास इंस्ट्रक्शंस ऑन श्रीमद् भागवतम फॉर व्यासदेव। श्री नारद मुनि द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश, स्क्रीन पे जो दिख रहा है उससे पता चल रहा है। तो ये क्योंकि हमने देखा कि पिछले अध्याय में अंत अंत में व्यासदेव अपनी खिन्नता को व्यक्त कर रहे हैं कि कुछ तो बचा है, कुछ तो है कमी जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और तभी नारद वहां प्रकट होते हैं, आते हैं। फिर नारद और व्यास में अब जो संवाद होने वाला है वो इस पांचवें अध्याय में है। नारद और व्यास का संवाद यानी गुरु और शिष्य का संवाद है। देखिए, पहले जो ऋषि संतगण होते थे ना, तो संतगणों में संबंध स्थापित होता था। तो अगर कोई आपसे बड़ा है या आपसे अनुभव में बड़ा है, आपसे ज्ञान में बड़ा है, या तो उन्हें गुरु के स्थान में रखा जाता था। मतलब भले वो डायरेक्ट गुरु ना हो पर उनको उनके शब्दों को बहुत महत्व दिया जाता था। और अगर आपके सम कोई हो, जैसे अंगिरा मुनि नारद मुनि ये संघ में रहते हैं, तो ऐसा तो संघ में जो है उनसे वार्तालाप करते करते कुछ हंसी मजाक भी आप कर सकते हैं। और आपसे जो जूनियर हैं या जो अभी नव सिखिया हैं, नए हैं और इस फील्ड में आए हैं, तो उनके ऊपर करुणा का भाव होना चाहिए कि कैसे इसको मैं दे दूं ताकि ये और उठे। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे इसको दे दूंगा तो इसको फॉर्मूला पता चल जाएगा तो ये मुझसे बड़ा हो जाएगा तो कल ये मुझे मुझे ही पाठ पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सोचना है, क्योंकि कोई बड़ा हो ही नहीं सकता भगवत कृपा के बिना। तो ये जो गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप है इसमें बहुत मिठास है। तो इसको हमको डायलॉग नहीं समझना चाहिए। अभी नारद और व्यास का जो संवाद है, व्यासदेव स्वयं लिटररी इनकार्नेशन है, लेकिन यहाँ वो दर्शा रहे हैं कि गुरु का स्थान कितना जरूरी है हमारे जीवन में। जैसे आप अगर देखेंगे तो भगवान राम और कृष्ण दोनों भी अवतार हैं, खुद इस संसार के मालिक हैं, लेकिन फिर भी वो गुरु परंपरा का अवलंबन करते हैं। उन्होंने गुरु परंपरा में जाके अपने शिक्षा को ग्रहण किया और ज्ञान को ग्रहण किया, समर्पण किया। तो उन्होंने ये आदर्श स्थापित करके दिखा दिया कि करना क्या चाहिए जीवन में। गुरु का स्थान, अरे कृष्ण, बाकी सबको आवाज अच्छा यहाँ पे क्लियर आ रहा है प्रभु जी। अच्छा, आवाज तो बराबर आ रहा है। हो गया हो गया हो गया हो गया, अरे हो गया। वो माता जी को समझ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम गुरु का स्थान जो है वो इसलिए बड़ा है क्योंकि गुरु जो है वो आपके धन दौलत से इंटरेस्टेड नहीं है। वो एक ही ऐसा व्यक्ति है। गुरु आपके पद प्रतिष्ठा से संबंधित ही नहीं है। आप कौन से पद पे हो, क्या हो, उसका कोई लेना देना ही नहीं। वो तो आपके भौतिक अस्तित्व का स्थान है कि आप इस पद पे रहिएगा तो आपका अच्छा जीवन चलेगा, तो आप वो रहिए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब हम आध्यात्मिक, हमको भूख लगती है कि अब हमको सच में जानना है हम कौन है, तब उस समय हमें जो है गुरु का आवश्यकता होता है। तो श्रीनाथ जी, आप म्यूट कर लीजिए, वो आवाज आ रहा है। तो हमें गुरु की तब जरूरत लगती है, हम समझ जाते हैं कि अब जो है हमें गुरु की आवश्यकता है। तो उस समय हम कई बार ठगे भी जाते हैं। हम ऐसे लोगों को गुरु मान लेते हैं जो स्वार्थी होते हैं। उनसे हम ज्ञान, थोड़ा बहुत तो ज्ञान दे के फिर अपने वो धंधे का बात करते हैं कि ऐसा करिए, हम लोग मिलकर एक वेंचर खोलते हैं, पता चला रही तो अलग ही गुरुजी निकला तो इसमें चैलेंज है। जैसे हम दुकान में जाते हैं कुछ हीरा जौहरी ये सब खरीदने,
कभी कभी हम लोग को बेंटेक्स का माल देके भी एड़ा बना सकते, लेकिन इसके लिए आपको धीरे धीरे अनुभव आ जाएगा कि सही गुरु कौन है। तो गुरु के परिभाषा में गुरु जो होते हैं, इनका एक ही काम होता है, वो है आपको इस संसार से आपकी आसक्तियों को हटा के आपकी मति को भगवान के श्री चरणों में डालना, बस इतना ही काम है। गुरु का काम है गुण रूप नाम लीला भगवान के बारे में संसार को बताना, उनमें जो जीव है जो भगवान के प्रति प्रेरित है उन्हें और आगे बढ़ा के और मार्गदर्शन करना, ये हमारा वैदिक कल्चर है। तो हमारे यहाँ डिप्रेशन में कोई इसलिए नहीं जाता क्योंकि माता पिता होते हैं बचपन से, वो गाइड करते हैं, और साइड में इतने रिलेटिव्स होते हैं वो गाइड करते हैं, तो बचपन में यही सब गुरु होते हैं, ये सब सिखाते कि अरे भगवान को ऐसा पहुंचो, वो उनको ऐसा करो या ऐसा करो, ये सब ज्ञान यही सब देते हैं। इसलिए प्रायः भारत में आपको ज्यादा डिप्रेशन केस नहीं मिलते, आजकल आने लगे हैं क्योंकि जो माता पिता से दूर रहते हैं उनको ये सब फीलिंग आता है, जो सब परिवार में रहते हैं और ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वो लोग टेंशन में रहते ही नहीं, उनको डिप्रेशन आता ही नहीं क्योंकि उन्होंने बचपन में इतना डोज ले लिया होता है कि उनको आगे जाके जो कुछ आने वाला भी हो तो उनको कुछ फर्क नहीं गिरता। तो यहाँ पे व्यासदेव सारा लिटरेचर कंपाइल कर दिए, सारे निचोड़ों को, सारे सिद्धांतों को उन्होंने खड़ा करके रख दिया, क्योंकि वेदांत सूत्र जो है इसमें सभी दर्शनों को स्थापित करके उसके आगे के दर्शन को उसके ऊपर स्थापित करके अंत में उत्तर मीमांसा यानी भगवान का साक्षात स्वरूप और भगवान के प्रति जीव का अनादिकाल से संबंध इसको स्थापित कर दिया। तो जिस व्यक्ति ने ना सब कर दिया हो, अब उसे किस चीज का अंदर में खिन्नता का अनुभव हो सकता है। तो अभी ये संवाद को हम पढ़ेंगे, आज हमें भले को खिन्नता नहीं दिखेगी, इसका जवाब नारद कल के हमारे क्लास में दे सकते हैं। आज हम 4-5 श्लोक लगातार पढ़ेंगे क्योंकि वो एक सीक्वेंस में, वो एक थीम लाइन है। तो आइए हम लोग पहला श्लोक लेते हैं। सुत उवाच अथम तम सुखम आसीन उपासीनम बहुश्रवः ते वर्षी प्राह विपर्षिम विप्रर्षिम वीणा पाणी स्वयं स्वयन्निवा स्मयन्निवा। सुत गोस्वामी सेड दस द सेज अमंग्स द गॉड्स नारदा कंफर्टेबली सीटेड एंड अपेरेंटली स्माइलिंग एड्रेस द ऋषि अमंग द ब्राह्मणस वेदव्यास। तो यहाँ देखिए सूत गोस्वामी भी कैसे, मतलब जब वार्तालाप करते हैं तो अब सूत गोस्वामी ये जो व्यास है नारद हैं, ये मतलब गुरु स्थान में हैं सूत गोस्वामी के, तो उनके बारे में एड्रेस करते हुए देखिए कैसा, मतलब भले ही कथा है लेकिन एड्रेस कितना अच्छे से करते हैं। हाँ देवर्षि ही, हाँ नारद को सिर्फ नारद नहीं कहा गया है, देवऋषि कहा गया है, क्योंकि देवताओं में, क्योंकि नारद जो है वो स्वर्ग में भी घूमते हैं, भूलोक में भी बीच में आ जाते हैं, और वैकुंठ चले जाते हैं, कैलाश चले जाते हैं, नारायण नारायण वो सब सारे लोकों में उनका मतलब गो थ्रू है। तो एक्चुअली कैसा होता है, मतलब जो आप कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे तो और पता चलेगा, ये ध्रुव लोक है और सारे ग्रह ऐसे कनेक्टेड होते हैं, तो ध्रुव जो है 36-24 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, तो सारे जो प्लैनेट्स है वो भी उसके साथ घूमते हैं, लेकिन जो भूमंडल है वो वहीं का वहीं रहता है, और इन प्लैनेट्स को जाने के लिए एक रास्ता होता है, ठीक है, और वो रास्ता अंतरिक्ष से फिर स्वर्ग के माध्यम से स्वर्ग में अलग रास्ता होता है। तो ये नारद को मालूम है, और नारद अपनी इच्छा से प्रकट हो सकते हैं, ये तो देवताओं को आने जाने का रास्ता है, नारद उसमें भी इच्छा मात्र से प्रकट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ से वहां। मैं बहुत सारे साधुओं को जानता हूँ जो कुंभ मेला में आते हैं, वो वहां हिमालय में डुबकी मारते हैं और यहाँ पंचवटी में निकल जाते हैं, कभी गंगा प्रयाग में निकल जाते हैं, नदी से बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे साधुओं को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। अब ये जो है मॉडर्न साइंस के पल्ले गिरना नहीं है, तो एनीवेज मैं उसको समझाने के लिए कुछ कर नहीं सकता, और वो सिद्धि अभी मेरे पास तो है नहीं जो दिखा सकता। तो ये जो नारद मुनि है वो कहीं से कहीं भी आ जाते हैं, और जिस जीव का उद्धार करना है उसको ज्ञान देके मुक्त कर देते हैं, या उसको ऐसे परिस्थिति में डाल देते हैं कि अपने आप मुक्त हो जाए। वो देखते हैं कि बात से समझा तो ठीक है, और नहीं समझा तो उसको ऐसा कुछ आशीर्वाद या श्राप दे दो कि जिससे ये ऐसी स्थिति में चले जाए कि चुपचाप हरि का भजन करे। तो ऐसे भगवान जो नारद मुनि है वो ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ देवर्षि नारद कहा गया है, यानी देवताओं में वो ऋषि है, सेज है, संत हैं पूरे देवताओं में, क्योंकि देवता में क्या है,
स्वर्ग लोक में सभी भोग ऐश्वर्य है, या वहां अप्सराएं हैं, वहां नंदन कानन गार्डन है, वहां बड़े बड़े महल हैं, खाने के लिए एक 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 से एक प्रकार के व्यंजन है, सोमरस है। तो वहां जो है सब जाके सिर्फ मौज करते हैं, अपने पुण्य का जो भोग है वो करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे वो ऋषि हैं, देवर्षि, और व्यास को कहा गया विप्रसिम, ब्रजसवा विप्रसिम, विप्रसिम यानी अनटू द ऋषि अमंग द ब्राह्मणस, ब्राह्मणों में जो ऋषि हैं, तो वो व्यास की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से वो दोनों को इंडिकेट कर रहे हैं। अब नारद और व्यास का संवाद चल रहा है। नारद उवाच, पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एववा। एड्रेसिंग व्यासदेव द सन ऑफ पराशर, नारद इंक्वायर्ड, आर यू सेटिस्फाइड बाय बीइंग विद इन द बॉडी और द माइंड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? आपको जो ये खिन्नता हो रही है, तो एक्चुअली नारद है ना, अभी जानबूझ के अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे, जानते होते हो सब है, लेकिन हाँ, क्या हुआ ऐसा टाइप, यू नो, अच्छा ऐसा हुआ। तो वो कह रहे हैं कि पराशर के पुत्र हो आप, आपका जो, ऐसा भी नहीं कि जैसे आप कोई ऐसे घर फैमिली से आ रहे हो जहां बहुत आपको मतलब कष्ट झेला है या कुछ है। आपके पराशर आपके गुरु, आपके पिता हैं, इतने बड़े महान संत आपके पिता हैं, तो आपको तो ऐसा कुछ टेंशन आना नहीं चाहिए। क्योंकि ये देखिए, जो अपब्रिंगिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंटिंग। आप जितने भी क्रिमिनल्स हैं, अगर आप क्रिमिनल्स को मिलेंगे तो एक चीज आपको पता चलेगा, इन सबको बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिला था, तो उनका मेंटेलिटी जो है उस भूख से तड़पते रहता है, और उस भूख से वो मतलब तक दूसरों को तकलीफ देने में वो खुशी खोजते, फिर सैडिस्ट बोलते हैं ऐसे लोगों को। तो उनको क्रिमिनल क्राइम करने की जरूरत है नहीं, सरकार तो यहाँ वहां से राशन में सब देता ही है, लेकिन वो मेंटेलिटी बन जाती है, सैडिस्ट मेंटेलिटी। तो इसलिए आप देखिएगा, जिनके जिनके पेरेंट्स हैं अच्छे, माता पिता का प्रेम मिला है, अगर वो थोड़ी देर के लिए क्राइम करते भी हैं तो एक दो डांट के बाद वो सुधर जाते हैं, वो जानते हैं कि ये सब अच्छा चीज नहीं है। तो अब यहाँ कहा गया है कि पराशर्य महाभाग, एड्रेसिंग व्यासदेव द सन ऑफ पराशर, नारद इंक्वायर्ड, आर यू सेटिस्फाइड बाय आइडेंटिफाइंग द बॉडी और द माइंड एज ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? कि देखिए, ये जो खिन्नता है ये उन लोगों को आती है जो अभी भी देह और मन को आप अपने आप समझ बैठे हैं। देखिए, संसार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, आधा दिन हम इस शरीर को सजाने में लगाते हैं। हाँ, आधे एडवर्टाइज जो आते हैं, ये क्रीम लगाइए इसके आपके यहाँ के दाग निकल जाएंगे, तो ले आओ भाई ऑनलाइन, चलो लगा लिया, पता चला उसके वजह से एक दाग आ गया। लेकिन वो दाग गया नहीं। उसके बाद, ओ माय गॉड, क्या आपको बुढ़ापे से शरीर झूल रहा है? हम आपके लिए लाए नया क्रीम, हमारी कंपनी की तरफ से 20% ऑफर, लगाओ। फिर लगाओ, उसके बाद भी देखते आईने में, अरे नहीं, मेरा ना बिल्कुल मन नहीं भरा, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस क्रीम। क्या आपको हो रहा है लीवर में दर्द? ये वाला जूस पीजिए। तो ऐसे कर करके हम जूस पी रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, बाल काला कर रहे हैं, फिर 7 दिन के बाद वो व्हाइट हो रहा है, फिर काला कर रहे हैं, और जबरदस्ती अपने आप को इस दुनिया में जवान बना के रखने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमको मर के जाना चाहिए उस धाम में जहां हमेशा हम जवान रहते, ज्ञान है नहीं। तो ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं, इन्हें तकलीफ हो सकती है, तो क्या व्यास तुम उस स्थिति में हो? ऐसा वो पूछ रहे हैं व्यास को, शिष्य है ना। अब नारद जो है वो व्यासदेव के गुरु हैं, तो वो शिष्य के रूप में सब पूछ रहे हैं। देखिए, गुरु और शिष्य का रिलेशन ऐसा होता है, पति पत्नी, गुरु शिष्य, राजा प्रजा, ये सब का संबंध ऐसा होता है। आपको अगर गुरु डांट दे तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये देखो मुझे डांट दिया, आपको ये सोचना चाहिए कि जरूर मेरा कोई अनुभव कम रहा है, या कुछ ऐसा चीज जो मैं नहीं समझा इसलिए गुरु जी ने मुझे डांटा है, उसको इस तरीके से लेना होता है। आजकल के शिष्य 2 दिन के लिए आते हैं, प्रभु जी हम आपके साथ सेवा करना चाहते हैं, थोड़ा डांट दे तो भाग जाते बैग लेके।
समर्पण ही नहीं है। अगर पति पत्नी को डांट दे तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो पति मुझे प्यार नहीं करता, नहीं वो तुम्हें प्यार करता है, वो तुम्हें बचाना चाहता है कुछ बड़े गलतियों से, इसलिए वो डांट रहा है। वो इसलिए नहीं डांट रहा है कि नो, तो ये भाव होता है। प्रजा और राजा का भी ऐसा ही, अगर राजा प्रजा को किसी चीज के लिए दंडित करे तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा राजा वो है, नहीं वो अनुशासन बना रहा है, पूरे समाज व्यवस्था को बना के रख रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपको जो है गुरु की तरह है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनका जो डांटना भी है वो आशीर्वाद के रूप में देना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे नारद तो अभी कुछ डांटे नहीं है, वो सिर्फ उनको देख के वो बोल रहे हैं, अभी आगे वाले श्लोक में आएगा कि हंस भी रहे हैं, उनको कह रहे अच्छा पराशर के पुत्र क्या तुम अभी भी देहात्म बुद्धि में हो मतलब पराशर का नाम इसलिए ले लिया कि भाई क्योंकि पराशर मुनि तो मुक्त जीव हैं, उनके चक वो उनका बेटा होते तुम ऐसे भाव में तो नहीं आ गए हो, इससे तो प्रॉब्लम नहीं हो गया, जैसे वो एक तरीके से टॉन्ट मार रहे हैं और उनको जगा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं ना व्यास। अब जैसे आप देखिएगा इवन गीता में भी अर्जुन को समझाते समझाते भगवान कई बार बोलते हैं पार्थ कौन्तेय, वो उनके लीनियज के बारे में याद दिलाते, तो बड़े लीनियज से ये छोटा मोटा चीज मत अटक, ऐसा है। तीसरा श्लोक है जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपीते महद अद्भुतम कृतवान भारतम यह स्वम सर्वार्थ परिब्रह्मितम, योर इंक्वायरीज वर फुल एंड योर स्टडीज वर ऑल्सो वेल फुलफिल्ड एंड देर इज नो डाउट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड अ ग्रेट एंड वंडरफुल वर्क द महाभारत विच इज फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ वैदिक सीक्वेंसेज एलोबरेटली एक्सप्लेन। तो वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर आप देहात्म बुद्धि में नहीं हो तो ठीक है, परंतु ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप मतलब लिखते हो कुछ कम लिख दिया हो। तो कह रहे हैं लेकिन महाभारत जो आपने लिखा है वो तो प्रॉपर है, एलोबरेटली लिखा है, प्रॉपर उसमें सारे विषयों को आपने रखा हुआ है। जानबूझ के नारद जो है वो व्यास देव को ऐसा इंस्टिगेट कर रहे हैं कि बोलो 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 क्या क्या फील हो रहा है। जैसे कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं आप और डॉक्टर को बोलते हैं कि ऐसे ऐसा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं आप ही से पूछते हैं क्या खाया था कल, हाँ खट्टा खाया था ना, खट्टा खाया था ना, ऐसा होता है हाँ मैंने इमली खाया था, बोले हाँ ऐसा रहता है। तो वो अभी निकाल रहे हैं कि बोलो 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 बोलो, तो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं ना कि कुछ स्क्रिप्चर में कम लिख दिया है, और खुद ही कह रहे हैं नहीं नहीं लेकिन तुम्हारा महाभारत तो परफेक्ट वेल कंपोज्ड है। तो व्यास जी समझ रहे हैं, अब आगे वो कह रहे हैं जिज्ञासितम अधीतम च ब्रह्म यत्तत्सनातनम तथापि शोचस्यात्मानम अकृतार्थ इव प्रभु, यू हैव फुल्ली डिलिनिएटेड द सब्जेक्ट ऑफ इंपर्सनल ब्रह्मन एज वेल एज द नॉलेज डिराइव देयर फ्रॉम, व्हाई शुड यू बी डिस्पोंडेंट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंकिंग दैट यू आर अनडन माय डियर प्रभु। तो प्रभु बोल रहे हैं अभी, देखिए नारद जो है वो व्यास को प्रभु बोल रहे हैं। देखो गुरु और शिष्य का संबंध भी हो तो भी ये हमेशा मालूम होना चाहिए कि मेरे गुरु ने इन सब शिष्यों को भेजा है मुझे असिस्ट करके, मेरी सेवा में असिस्ट करने के लिए। तो गुरु कभी ये नहीं सोचता कि देखो मैंने इतने सारे चेले बना लिए, एक गुरु का भाव होता है कि मैंने इन सबको सेवा करना है। प्रभुपाद जी कई बार रो देते थे अपने शिष्यों का सेवा देख के, और रो के बोलते थे कि आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है। कल ही हम यहाँ सूरत में आए थे तो यहाँ एक हस्बैंड वाइफ है, वो डिवोटी है, प्रॉपर डिसाइपल्स हैं, तो उन्होंने प्रभुपाद से इंस्ट्रक्शन लिया था, तभी वो लोग दोनों भी यूएस में इंजीनियर थे, उस टाइम के 1970s की बात हो रही है, तब के मतलब जब भी 10वीं पास होता था तो आदमी साहब बन जाता था, तब के टाइम वो दोनों पति पत्नी जो थे इंजीनियर से और सूरत से थे। तो जब प्रभुपाद को पता चला कि ये इंडियन है तो प्रभुपाद ने बोला कि आप एक काम करिए, यहाँ इंडिया में जाके बहुत बड़ा स्पिरिचुअल स्कूल खोलिए, और उन्होंने बहुत सुंदर स्कूल खोला, कल मैं देख के आया, आश्चर्य है इतना सुंदर, और दोनों के चेहरे पे जो तेज था इससे इतना समझ में आ रहा था कि कितना इन्होंने डेडिकेट किया हुआ है। और उसके बाद वो अभी भी वो एकदम क्लियर कॉन्शियसनेस में कि अब हमको गुरुकुल हो गया है, अब हमको प्रभुपाद के सेवा में ही रहना है, हमको यहाँ से कहीं नहीं जाना है,
ये भाव देख के ऐसा एकदम हृदय गदगद हो गया। तो एक शिष्य का गुरु के प्रति जो समर्पण है वही उसकी धन और पूंजी है। और प्रभुपाद जी देख लिए कि ये शिष्य जो हैं ये पढ़े लिखे हैं, तो ये जब स्कूल खोलेंगे तो बहुत लोग आएंगे। और वो बता रहे थे कैसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने डिवोटी बनाया, जीवन सुधार दिया, और वो लौट लौट के आके धन्यवाद दे रहे हैं। तो एक शिष्य को अपने गुरु की आज्ञा को इतने लेवल तक लेके जाना चाहिए। और प्रभुपाद इसलिए अपने जब भी अपने शिष्यों के बारे में पूछते थे लोग, प्रभुपाद बोलते ये रो देते थे, बोले ये सब जो है मेरे गुरु महाराज ने भेजे मेरे सेवा में असिस्ट करने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, वो भी अपने शिष्य को प्रभु करके पुकारते थे, क्योंकि वो जानते थे ये मेरे मास्टर हैं। देखिए भगवान इतने स्मार्ट है ना, हमारे आगे पीछे ऐसे लोगों को रख दिए देते हैं खुद ही, आपको पता नहीं चलेगा, जो एक्चुअली आपके उद्धार के लिए परफेक्ट है, उसी को बराबर रख देंगे आगे आगे पीछे। इसलिए हमारे आगे पीछे कोई वैष्णव है तो उसे देहात्म बुद्धि से नहीं तोलना चाहिए कि वो गरीब है काला है, ये नहीं तोलना चाहिए। मैं ये देखना चाहिए कि उसे मेरे गुरु ने भेजा है मुझे असिस्ट करने के लिए, इस रूप में देखिए। तो गुरु का भी ये रोल होना चाहिए, नहीं कि हमारे यहाँ अभी आ गए शिष्य चलिए अभी मेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें यही भाव रखना चाहिए। तो यहाँ वो कह रहे हैं हे प्रभु कि सारा ब्रह्मन का ज्ञान तो आपने बांट दिया, सब कुछ तो अच्छे से समझा दिया, मतलब जो तत्व है ब्रह्म का तत्व ही बहुत लोग नहीं जानते कि ब्रह्म है क्या, वो किस तरह से विस्तार रूप में है, किस तरह से साकार रूप में है, ये सारा ज्ञान तो आपने दे दिया, अब आपको किस चीज का खंत है, ऐसा यहाँ पे वो पूछ रहे हैं। तो व्यास कह रहे हैं, व्यास उवाच ये अलग छंद है, अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम पृच्छामहे त्वामात्म त्वात्म भवात्म भूतम। श्री व्यासदेव सेड ऑल यू हैव सेड अबाउट मी इज परफेक्टली करेक्ट, डिस्पाइट ऑल दिस आई एम नॉट पैसिफाइड, आई देयरफॉर क्वेश्चन यू अबाउट द रूट कॉज ऑफ माई डिससेटिस्फैक्शन, फॉर यू आर द मेन मैन ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज due to your being the offspring of one brahma who is self born without mundane father and mother। to keh rahe hain kyunki aap brahma ji ke putra hain, unke shishya bhi hain aur unhone direct sara gyan diya hai aur aap wo hain jo sab kuch jante hain aur perfectly hai na, aapne mere bare mein abhi bhi jo kaha ekdam perfect hai, kuch bhi galat nahi kaha hai, to aap mujhe bahut acche se jante hain। ab ye shishya bhi kam nahi hai, ab shishya jo hai wo guru ko keh rahe hain कि आपने जो मेरे बारे में समझा है वो सही है, अब इसका मतलब सॉल्यूशन भी आप ही देंगे। देखिए एक भगवद गीता का जो प्रसंग है पहले अध्याय का, जहां अर्जुन का विषाद है, बड़े प्रश्न है, बड़ा दुखी है, सर पे हाथ लेके रथ पे बैठ गया है, दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में वो भी समर्पित हो जाते हैं, बोलते हैं प्रभु मैं जानता हूं कि आप भले ही यादव कुल में जन्म लियो ये लिए हो, लेकिन आप कुछ हो, तो मैं आपको गुरु मानता हूं, आप आदेश दीजिए, आप मुझे अब ज्ञान दीजिए। भगवान ने तब तक कोई ज्ञान नहीं दिया था, कोई ज्ञान नहीं दिया था, उन्होंने चुपचाप बस सुन रहे थे, थोड़ा डांट दिया था कि क्या है तुम अनार्य की तरह बात करते हो, लेकिन ज्ञान नहीं दिया था। जब दूसरे अध्याय का सातवें श्लोक में समर्पण किया तब उन्होंने वो ज्ञान उन्हें दिया, ज्ञान देना चालू, आत्मबोध करके फिर आगे ज्ञान दिया। वैसे यहाँ पे व्यासदेव वो जानते हैं कि गुरु कृपा कैसे लेनी है, वो कह रहे हैं प्रभु आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, अंदर से बाहर जानते हैं, आपके सिवाय और कोई बता नहीं सकता, तो कृपया करके मेरा जो ये प्रॉब्लम है उसका मूल से विनाश करिए, ऊपर ऊपर क्या विनाश करके फायदा नहीं है, उसको मूल से ही नष्ट कर दीजिए प्रभु। और आगे वो कहते हैं सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम सृजत्यवत्यति गुणैर असंगः। माय लॉर्ड एवरीथिंग दैट इज मिस्टीरियस इज नोन टू यू बिकॉज यू वर्शिप द क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड एंड द मेंटेनर ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु इज ट्रांसेंडेंटल टू द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर।
तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं और आप तो वैकुंठ आते जाते रहते हैं, तो आप सब समझते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, और इसलिए आपको सारे मिस्टीरियस चीजें मालूम होती है। मिस्टीरियस का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, गुह्यम, आपको सारे गुह्यम चीजें पता है। तो मिस्टीरियस का मतलब होता है कुछ चीजें कैसे हो रही हैं ये आप और मैं नहीं समझ सकते। ऐसा कंपल्सरी नहीं कि हमको ब्रेन है, हमारे ब्रेन को लिमिटेशंस हैं, हम एक लेवल के बाद सोच भी नहीं सकते। हमारा ब्रेन कहाँ तक काम करता है, हमको जो लैंग्वेज सिखाया वही हम इंटरप्रेट कर पाते हैं। जैसे कुत्ते बिल्ली जो लैंग्वेज बोलते हो आप नहीं इंटरप्रेट कर पाएंगे। एक ग्रंथ है सहदेव भाड़े, उसमें प्राणियों का लैंग्वेज भी आप समझ सकते हो सीख लिया तो। लेकिन प्रॉब्लम है कि जिसने वो बुक लिखा वो पागल हो गया, क्योंकि वो उसको सारे आवाज आने लगे, कीड़े क्या बोल रहे उसको सुनाई देने लगा, कुत्ते तो पागल हो गया। बाद में बोला रही मैं पैसे अच्छा था ओनली मनुष्य वाला। कई बार हमको लगता है कि नहीं प्राणियों के भी आवाज मुझे आना चाहिए, लेकिन वो बाद में पता चलता है कोई जरूरत नहीं। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं मेरा पूर्व जन्म जानना चाहता हूँ। अरे तेरा यही जन्म घटिया है, तो पिछले क्या समझ लेगा, पिछले जन्म में क्या किया था, पिछले जन्म में क्या आचार डालेगा, ये जन्म में जो मिला आगे बढ़ो। तो कई बार हम लोग बहुत इंडिविजुअल बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं होता। तो यहाँ कहा गया है कि जो मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस यानी जो आपको नहीं पता है, आपको सोच विचार के बाहर है, वो भी नारद मुनि आप जानते हैं। और ना जैसे यहाँ पे प्रभात तात्पर्य में लिखते हैं कि अष्ट सिद्धियां होती हैं, तो नारदों को आठों सिद्धियां थी। अष्ट सिद्धियां यानी छोटे से छोटा होना, बड़े से अनु होना, बड़ा लघु लघु होना, बड़ा होना, गायब हो जाना, दिखना, अलग अलग रूप में दिखना, अलग अलग रूप ले लेना, तो ये सब सिद्धियां हैं। तो ये सारी सिद्धियां नारद मुनि के पास थी, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अभी आखिरी श्लोक लेते हैं जहां व्यास अभी भी एक चीज, अब व्यास अब नारद के ऊपर पूरा अथॉरिटी दे देंगे। तम पर्यटन नरक इव त्रिलोकी मंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्म तो व्रतई स्नातस्य मे न्यूनमूलं विचक्षव। लाइक द सन योर गुडनेस कैन ट्रेवल एवरीवेयर इन द थ्री वर्ल्ड्स। इस सूर्य के भांति, इनकी किरणों के भांति आप तीनों लोकों में कहीं भी विचरण कर सकते हैं प्रभु। एंड लाइक द एयर यू कैन पेनिट्रेट द इंटरनल रीजन ऑफ एवरीवन। और जैसे हवा सब जगह अंदर अंदर जा जाती है, वैसे आप भी सब जगह पेनिट्रेट कर लेते हैं, यानी आप एक लेवल से परमात्मा के रूप में हैं। एज सच यू आर एज गुड एज द ऑल परवेजिंग सुपर सोल। मतलब आप परमात्मा नहीं है, लेकिन जैसे परमात्मा सब कुछ जानते हैं वैसे प्रभु आप भी सब कुछ जानते हैं। प्लीज देयरफॉर फाइंड आउट अ डिफिशियंसी इन मी। इसलिए कृपया करके मुझ में जो कमियां हैं ये कृपया करके आप बताइए। डिस्पाइट माई बींग एब्सॉर्ब्ड इन ट्रांसेंडेंस अंडर डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस एंड वाउज। हाँ मैंने बहुत सारे तप किए हैं, सब किया है, लेकिन फिर भी मेरे ये सिचुएशन आप ही बताएं। तो यहाँ तात्पर्य में प्रपात लिखते हैं कि डिसिप्लिनरी में क्या क्या करना चाहिए, कि ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, पायस एक्टिविटीज, वर्शिपिंग द डीटीज, चैरिटी, मर्सीफुलनेस, नॉन वायलेंस एंड स्टडिंग द स्क्रिप्चर्स अंडर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस आर ऑलवेज हेल्पफुल। यानी अगर हम ये सब काम, भगवान विग्रहों का सेवा, शास्त्र का ज्ञान, अध्ययन इत्यादि डिसिप्लिन में करें तो हमारे फायदे का, ऐसे प्रॉपर इधर समझा रहे हैं। अब इस प्रकार से नारद मुनि को वो अथॉरिटी दे दिया कि आप मुझे ऑपरेशन करिए, आप कृपया करके मेरा ऑपरेशन करिए और मेरा क्या प्रॉब्लम है, क्या रूट कॉज है आप खोज के निकालिए। देखिए इसका कारण एक ये भी है कि हमें दूसरों की बहुत जरूरत लगती है, स्पेशली गुरुजनों की और समाज में बड़ों की, क्योंकि कई बार हम जब समस्या में होते हैं तो हमें खुद नहीं पता चलता कि आया कहाँ से। दूसरे को दिखता है कि क्या हुआ था, लेकिन उसकी बात आप मानोगे नहीं क्योंकि तभी ईगो होता है, कह रहे मैं जो सोच रहा हूं वही सही है। उस समय आपको जो है वो तभी किसी दूसरे के वर्ड की बहुत जरूरत है। तो इस प्रकार व्यास ने नारद मुनि को पूरा अधिकार दे दिया है और अगले ही श्लोक में नारद मुनि सीधा सीधा सब कुछ व्यास को बोल देने वाले हैं। तो उसके बाद व्यास सर्टन थिंग्स करने वाले, उस हम आने वाले वर्सेस में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का एक दो क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, हरे अच्युतम कृष्ण। का अच्युतम अच्युतम जो शब्द वो भगवान भगवान का नाम है ना, अच्युतम। बराबर, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। वो ये गाना बहुत फेमस भी है। तो एक्चुअली क्या है, अच्युत यानी जो गिरते नहीं, इनफैलिबल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनफैलिबल। तो भगवान जो है वो गिरते नहीं अपने। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं भगवान तो वो अर्जुन का सारथी बन गए तो नीचे वाला पोजीशन ले लिए। ना 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 ना, वहां से नहीं। भगवान अपने भक्तों को जो शब्द दिया है उससे नहीं गिरते। बात समझिए, भगवान ने अगर वचन दिया है कि ये होगा तो वो होगा ही, अगर भक्तों के लिए दिया है तो। अब बात समझ रहे हैं, तो इसलिए उनको एक शब्द, उनका एक नाम है अच्युत है। पहले अध्याय के 21वें श्लोक में ही सेना और उभय और मध्य रथम स्थापय मेच्युता है। अच्युत कृपया करके आप अपने रथ को बीच में स्थापित कर दीजिए, मैं दोनों सेनाओं के बीच में। वो अच्युत शब्द इसलिए कहते हैं कि हम जानते हैं कि आपका जो वर्ड, आपका वर्ड है वो आप कभी तोड़ते नहीं, भक्तों को दिया हुआ। भगवान अपने लिए कोई शब्द दिया तो तोड़ देते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता इस मामले में। वो आपका शब्द पर्सनल लेवल पे कुछ दिए हैं तो वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी भक्त को वर्ड दे दिए तो वो करेंगे ही करेंगे। जैसे प्रसंग आता है महाभारत में युद्ध में ही कि भीष्म जानते थे कि भगवान शस्त्र नहीं उठाएंगे, वो जानते थे कि ये शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो भीष्म ने बोला मैं वासुदेव को शस्त्र उठाने में मजबूर करूंगा, मैं उठवा के रहूंगा। अब भीष्म ने कह दिया, अब भीष्म ने वर्ड बोल दिया तो उनका वर्ड फुलफिल करना पड़ेगा। अगर भक्त ने कोई वर्ड दे दिया तो भगवान उसको फुलफिल करते हैं। अब भगवान ने कहा कि इसका वर्ड तो फुलफिल करना पड़ेगा, और उनका अपना वर्ड था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जब अर्जुन भी बहुत बाण चला रहे थे तो भगवान ने सीधा वो पहिया उठा के भागते हुए गए भीष्म के पास, और भीष्म ने अपने सारे जो धनुष छोड़ के बोला आओ मारो, शब्द तो तोड़वा दिया मैंने। तो ये भक्त और भगवान के बीच का बात है। तो भगवान जो है वो अपना शब्द भी तोड़ देते हैं भक्तों के लिए। तो ये इसलिए उनका एक शब्द है अच्युत, यानी भगवान अगर कोई भक्तों को जो वादा किए हैं वो पूरा करते हैं। जैसे भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मैं तुम्हें उद्धार कर दूंगा। तो बस हमें फेथ होना चाहिए, हमने एक बार उनको अपना सरेंडर कर दिया तो बाकी वो अपने आप हमें उद्धार कर देंगे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, नाम बोलिए प्रभु जी। आपने बताया था एक बार दंड के बारे में कि क्षत्रिय को अगर इंसल्ट कर दिया जाता है तो वो सफिशियंट दंड है उसके लिए, वैश्य को उसका धन का हरण कर लेते हैं तो वो सफिशियंट दंड है उसके लिए, ब्राह्मण और शूद्र को मारपीट करके, और ब्राह्मण के लिए कुछ बताया था प्रभु जी, वो भूल गया दोबारा। ब्राह्मण को केवल अवहेलना कर देना है, अवहेलना यानी निग्लेक्ट। ऐसा राजा ऐसा करता था, मतलब ब्राह्मण का मामला भी आया तो ऐसा कर देता, उसमें प्रूव हो गया कि इस ब्राह्मण ने कुछ धोखा दिया, कुछ गड़बड़ किया है, ऐसा कर देते, इधर देख ले, मुंडी घुमा लेते थे बस। उतना कर देने से बाकी ब्राह्मण समाज ही बोलता था, अरे देखो कैसा ब्राह्मण है, ये ऐसा कर दिया। तो फिर अपने आप लोग जो उसे पूजा पाठ नहीं करवाते थे, उसका जो एक वैल्यू होता था समाज में उतर जाता था, तो खुद ही जो है प्रायश्चित करता था, प्रायश्चित करता था, फिर समाज उसको वापिस, तो अपना ही प्रायश्चित से अपने आप को दंडित करता था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने गलती की। ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बोलिए। हरिंदर बोल रही प्रभु जी। जैसे अब ग्लोबलाइजेशन हो गई है तो हर चीज पता चल रहा है, कहाँ क्या है, इतना ज्यादा हो गया है ये आजकल सोशल मीडिया से, लेकिन ये भारत क्यों नहीं एक हो पा रहा? नहीं देखिए, भारत एक होगा क्योंकि जब दुनिया एक हो रही तो भारत भी एक होगा, लेकिन आपको हमारे भारत वर्ष के लैंड का हिस्ट्री बता देता हूँ। ये भारत लैंड जो है ना, इसको कोई रूल नहीं कर सकता, क्योंकि इसको ऑलरेडी भगवान रूल कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। भगवान क्या करते हैं, हमारे वैदिक कल्चर को आज तक कोई अटैक नहीं कर पाया, इन द सेंस थोड़ा बहुत नुकसान और थोड़ा बहुत 19-20 वो करना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेजोरिटी में आज भी देखो ना, सब हिंदू है, सब एकदम परफेक्ट है, गणपति बप्पा मौर्या,
देवी का पूजा है, कृष्ण का जन्माष्टमी, सब कर ही रहे हैं। नास्तिक लोग भी इधर आराम से जी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाओ पियो सो जाओ। एक्चुअली इस लैंड को धर्म का लैंड कहा गया, इस भारत वर्ष यानी इस आर्यवर्त में उसको जन्म मिलता है जो धर्म परायण है। इसलिए आप देखिएगा जितने हमारे भारत में ही आपको सब रिलीजियस कट्टर वाले इधर ही मिलेंगे, बाकी जगह लोग कट्टर नहीं है। जैसे हमारे हिंदू में भी जो कट्टरता है वो यहाँ मिलेगा आपको, मुसलमानों में भी जो अगर कोई कट्टर मिलता है तो यही मिलता है आपको, सिखों में भी कोई कट्टर मिलेगा यही मिलेगा, जैनों में भी कोई कट्टर मिलेगा यही मिलेगा, क्योंकि ये धर्म का लैंड ही है, यहाँ उसी का जन्म होगा जिसने पिछले जन्मों में बहुत सारा धर्म किया हुआ है। तो जब यहाँ वो पालन करता है तो एक्स्ट्रा सीरियस होता है। वेस्ट में ना लोग ज्यादा सीरियस नहीं होते, थोड़ा बहुत पालन करते हैं फिर मौज मजे करो ऐसा रहता है, लेकिन भारत में ना वो थोड़ा धर्म प्रवृत्त है, यानी हम धर्म आगे रखते हैं और चीजों को पीछे रखते हैं, क्योंकि भगवान का लैंड है, यहाँ किसी और का जन्म हो नहीं सकता बिना भगवान की इच्छा के। तो यहाँ कोई नॉर्मल भी पैदा हुआ है ना, नॉर्मल मतलब झाड़ू पोछा भी मारा रास्ते पे, तो भी आप समझो कि वो धर्म युक्त है। वो जो ही साधु को देखेगा वो वही झाड़ू हाथ में साइड में कैसे करेगा, मैंने देखा लोगों को कि मैं ऑटो से जा रहा हूँ और वो देखता है कि महाराज कोई गया है, वो उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, अच्छा भक्त हूँ बुरा भक्त हूँ जो भी, वो डंडा साइड करके ऐसा 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 कर, वो जानता भी नहीं मैं कौन हूँ, ऐसा कर देगा, वो क्या कर रहे हैं वो खुद ही जाने, लेकिन ये जमीन धर्म का है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसलिए क्रिश्चियन मिशनरीज यानी जो वेटिकन में रोमन एम्पायर था, इन्होंने अभी वो क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूबल ने क्रिश्चियनिटी को यूज करके धर्म वाला राज बनाया, उनको समझ में आया कि अगर हम धर्म नहीं दिखाएंगे तो लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया क्रिश्चियनिटी को मॉडल यूज किया और जीसस को प्रमोट किया, जीसस के इतने फॉलोअर थे नहीं जीसस को प्रमोट किया और रूल के पीछे जीसस को गॉड लगा दिया और वो गॉड को उन्होंने कंट्रोल किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इनको मालूम था कि इंडिया में रूल करना है, तो इन्होंने पहले ब्रिटिशर स्टाइल से किया ये दादागिरी करके, तो उनको समझ में आया कि यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने बोला कि चलो हम लोग रिलीजन को लाते हैं। तो उन्होंने क्या किया जीसस को गॉड डिक्लेयर करके अंदर ले आए, तो अंदर लाना था तो इंडिया का तीनों साइड जो है वो कोस्ट है, इंडिया को अंदर से धोखा नहीं कोस्ट लाइन से धोखा है। तो उन्होंने सारे आप देखिए कोस्ट लाइन में चर्चेस मिलेंगे आपको, तो कोस्ट लाइन में चर्चेस इसलिए होते हैं वो कोई रिलीजन के लिए नहीं है, वो उधर के लोगों को पिला पिला के दोस्ती बना के अपना जो माल लाते हैं ड्रग्स वग्स का और ये सब के लिए उनके काम में आता है ब्लैक काम करने में। तो ये जो भी है कितना एरिया है अंदर में भी कर दिया उन्होंने, तो इनको करना था कि रूल करना था, रूल करना तो कोई तो अपने को एक लॉबी चाहिए ना, चाहे वो लोअर लेवल के हो हायर लेवल कोई तो चाहिए। तो इन्होंने क्या किया उन्होंने धर्म को आगे लाया, उन्होंने बोला देखो जीसस यीशु से तुम्हें शांति मिलेगी, अरे तुम्हारा पोप वहां अशांति में पड़ा हुआ है तुम कहां से शांति दे दोगे, तो वो झूठा वाला चीज है कि अशांति दे देंगे, भगवान तो कहीं नहीं बोलते शांति मिलेगा, शांति तब मिलेगा जब तुम समर्पण करोगे, या आपको आइए आपको ये करवा देंगे, पैसा दे दिया 5 लाख 10 लाख लोग कन्वर्ट हो गए। अब एक्चुअली आप देखोगे तो ये उनका उनको रिलीजन नहीं चाहिए, उनको जैसे भी पहले वो लोग क्या कहते थे कि अरे आप लोग पैगनिस्ट हो मूर्ति पूजा करते हो, और बाद में मैंने देखा गोवा में क्रॉस के ऊपर लोगों ने वो जैसे माता जी लोग दुपट्टा नहीं पहनते ऐसा, वो क्रॉस के ऊपर दुपट्टा लगाया हुआ है, उसको सिंदूर लगाया हुआ है और उसके नीचे ओम लिख के वो जो हमारे हिंदू है उधर भी पूजा कर देता है तो आप हमारे भारत में से कुछ भी ले आओ उसको हम सिंदूर तो लगा ही देंगे, ये हमारे कल्चर में इतना इंटीग्रेटेड है, वो पिछले जन्म से इंटीग्रेटेड है ना, ये जन्म से कौन पैदा होके, हाँ तो वो ऐसा है। तो वो क्या है कि बाय डिफॉल्ट वो हमारे कल्चर में, हमारे यहाँ फ्रेंडशिप डे में भी लोग टीका लगा लेते हैं, घर से टीका लगा के निकलते भाई फ्रेंडशिप डे आज धार्मिक है हाँ समझ रहे, अब चॉकलेट डे है तो चॉकलेट भी भगवान को प्रसाद के रूप में भोग लगा के लेके जाते हैं कि भाई चॉकलेट डे जो धार्मिक अनुष्ठान वो तो है ही। तो ये भूमि जो है ये धर्म होने के कारण यहाँ पे जो बंधन है ये धार्मिक है, ये तब एक हो पाएंगे जब हम भगवान वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जिएंगे। ठीक है, और हमारा जो शासक है वो वसुधैव कुटुंबकम के रूप में इसको साम्राज्य को चलाएगा, तो सभी राजा प्रजा सभी सोच विचार सभी पंथ सभी एक साथ आ पाएंगे। अगर हर कोई अपना लेके बैठेगा तो नहीं होगा, तो ये समय तो आ गया है कि वैसे भारत वापस पुनः एक हो जाएगा जितना मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, हर चीज के बाद थोड़ा बहुत संघर्ष होता है वो होगा पर हो जाएगा। बात यह है होने के बाद भी भगवान इधर वैरायटी रखते हैं,
आपको यहाँ इंडिया में शासक कोई रूल नहीं कर पाए, मुगल भी इतना साल यहाँ रहे लेकिन रूल नहीं कर पाए। क्यों नहीं रूल कर पाए? उनको बाद में पता चला, उनको लगा कि राजाओं को हरा के हम सत्ता ले लेंगे तो सारा कंट्रोल मिलेगा। उनको पता ही नहीं थे का यहाँ राजाओं के कंट्रोल में जनता थी ही नहीं। वो तो राजा मंदिर जाता था तो लोग बोलते थे ठीक है शासन करो, अजमेर राजा अगर भगवान छोड़ देगा तो चल घर अपने, चल निकल यहाँ से। तो यहाँ लोग धर्म प्रवृत्त हैं, यहाँ धर्म की बात करोगे तो आपको सर पे चढ़ा के रखेंगे, अधर्म की बात करोगे सीधा गाड़ देंगे। हाँ। समझ रहे ना? अभी बॉलीवुड वालों ने इतना हल्ला कर रखा था, बीच में इतना गंद मचा रखा था बॉलीवुड में, अभी धार्मिक लोग जाग गए, वो उसी फेसबुक से ही उसको उड़ा दिया। फेसबुक इतने पोस्ट कर दिए कि आजकल हीरो हीरोइन को भी कहीं जाने में मुश्किल हो रहा है, कि कहीं जाएंगे लोग कहीं कमेंट ना कर दें। हमारी अनुष्का दीदी जो है वो इमीडिएटली अपने पति को बोली चलिए कहीं साधु महात्मा को चरण छू लेते हैं, अब क्लीन चिट हो जाएगा। वो भी जाके अपना क्लीन चिट कर ली कि नहीं मैं धार्मिक हूँ, अब बेचारी उसके ऊपर कोई पोस्ट नहीं मारता है। हाँ, ठीक है। तो क्या है कि एजुकेशन एजुकेशन का थोड़ा जी, मतलब इतना ज्ञान इतना खजाना हमारे पास गड़ा हुआ है, हमने उसको देखा ही नहीं और किस चीज के पीछे लग गए हम, वो अंग्रेजी और ये सब, नहीं ये ये बात तो कंफ्यूज हो। है। नहीं वो कैसा है माता जी, देखिए एक जनरेशन को उल्लू बनाया गया था। एक जनरेशन को देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, शासन करते समय इन्होंने काम किया जो किसी भी राजा महाराजा को नहीं पता चला। मैं एक हमारे झारखंड में एक महाराज हैं जो ऐसे परिवार से हैं, राजा परिवार है, तो रानी जी थी वहां पे, बूढ़ी थी 60 की होंगी। उनके घर पे गया, नाश्ता किया, मैं उनसे बात कर रहा था तो उनको बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने राजा महाराजा का घर कैसे तोड़ा। और जब उनको बता उनकी आंखों से आंसू आए, बोले बेटा मैं हमारे साथ यही हुआ है। मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया जबकि मैं किसी राजघराने को पहले मिला था, मैं लॉजिकली पॉलिटिकल थोड़ा स्टडी है। मैंने बोला इन्होंने क्या किया, 600 राजाओं से इंडिया बना, याद रखिएगा ये जमीन राजाओं का है, मोदी जी का भी नहीं है, ये राजाओं का जमीन है 600 राजाओं का। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर देंगे आपका कुछ नहीं बचेगा। तो ये राजा जो थे ये अपना अपना एरिया संभालते थे। अब क्या हुआ, ये ब्रिटिशर आए और इन्होंने क्या किया, राजा के बारे में ब्राह्मण को गलत बोल दिया, ब्राह्मण के बारे में शूद्र को गलत बोल दिया, शूद्र के बारे में वैश्य को गलत, ऐसा करके घर में लड़ाई लगवा दिया। और अंग्रेज दिखने में गोरे गोरे थे, थोड़ा थोड़ा सोना चांदी देने का आदत था इनको, तो इनके लोभ में आके भी कई लोग थोड़ा सा प्रवृत्त हो गए। ठीक है। और इधर से इंडिया से इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी, अम्बेडकर साहब, मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू जी, इन लोगों को वहां लेके गए। ठीक है। और उधर लेके अपने कल्चर का और एम्पायर दिखाया, और दिखा देखो तुम्हारे देश में इतना प्रॉब्लम है। अंबेडकर साहब को भी लगा कि हाँ मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जबकि एक्चुअली न्याय अन्याय तो रोज सबके साथ होता है, लेकिन होता उन्होंने है उनको होता है। यूज कर लिया गया और एक रिवॉल्यूशन किया। फिर ब्राह्मणों को अलग करके उनका रिवॉल्यूशन करवा दिया सावरकर से, यहाँ गांधी के हाथ में गीता दे दिया जबकि उसने कभी गीता पढ़ा ही नहीं था, वो तो हाथ में सिर्फ गीता दे के जो धार्मिक लोग हैं उनको उसके पीछे लगा दिया। हाँ, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, अरे तेरे वजह से इतने लाखों लोगों का मर्डर हुआ है। वो हाँ, आज दस भी, लाख एनीवेज मैं अभी महात्मा जी का नहीं बोलूंगा कि हमारे प्रभात जी बोलते थे अभी स्विट्जरलैंड में वो कुत्ता है। वो किसी और नेता के बारे में बोल रहे थे। तो पॉइंट में ये सब चीजें याद रखिए कि कर्म आपको नहीं छोड़ेगा। तो क्या है, ब्रिटिशर्स ने किया, लेकिन आज क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक इंडियन ने खरीद लिया। नहीं किया ना तो इंडियन धंधा गुज्जू लोग तो पूरा इंडिया की खरीद लेगा, वर्ल्ड दुनिया खरीद लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद लिया। तो पॉइंट वो नहीं है, ये सब लोगों को एक एक षड्यंत्र की तरह इसको यूज किया गया। और हम मूर्ख हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं इनको फॉलो करने के बजाय हम उन गोरे चमड़ियों को फॉलो करने लगे, हाँ और इसलिए हमारा समाज जो एजुकेशन सिस्टम हट गया, ये हट गया, हमारे गाय की हत्या होने लगी। लेकिन एक्चुअली अगर हम वापस लैंड, काउज और वैदिक एजुकेशन में जाएंगे तो सभी सुखी और संपन्न हो जाएंगे, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, ज्यादा दूर नहीं है, हो ही जाएगा। पर पॉइंट क्या है कि हमें इसको मेंटेन करके रखना चाहिए, वर्णाश्रम सिस्टम बना के रखना चाहिए, तो तब हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो उस ग्लोरियस लेवल पे आएगा। ये सिर्फ भाई बैंक बैलेंस बढ़ा देने से, जीडीपी बढ़ा देने से, अमेरिका का जीडीपी इन लोग हमसे से बहुत आगे है, कहाँ सुखी है, लोग होमलेस हैं, गोरे गोरे लोग होमलेस की तरह बैठे रहते रास्ते पे। हमारे यहाँ किसी अच्छे घर की औरत को आप देखा है रास्ते पे बैठी, इमीडिएटली साइड वाले ले जाते, बोले ना माँ तो हमारे घर चलो, तुम मेरी माँ बन के रहो। भारत में आज ये कल्चर है
कि अगर कोई ऐसा देखता है तो बोलता है नहीं, एक काम करो आप मेरे यहाँ चलो, मैं आपको रूम देता हूँ, आराम से रहो, जीवन भर रहो, मैं देखूंगा। हाँ मुझे याद है बिल्कुल रांची में एक माता जी थी, उनके बेटा, तीन बेटे थे, और लेकिन उनके तीनों भगवान उनको टॉन्ट मारते थे। वो अच्छे मतलब साधु, मतलब लेडी, ओल्ड जमाने की थी, भक्ति उक्ति भी करती होंगी। तो उनका थिएटर था पति का, पति जी गुजर गए थे, वो थिएटर जो है अब कुछ मॉल बन गया था, उससे जो भाड़ा आता था वो माँ के नाम से आता था, तीनों बच्चे लेके माँ को गाली देते रहते थे। एक दिन तो एक बहू ने बोल भी दिया कि जहर खिला के मार देते हैं इसको। वो बेचारी पुलिस थाने गई अपने एक छोटे रिश्तेदार को लेके। तो पुलिस में उधर से फोन किया कि रिश्तेदार को बोलो जाएगा नहीं तो उसको हम लोग तकलीफ देंगे। तो पुलिस क्या बोला माँ को कि देखो माता जी, आपका कंप्लेंट मैं लिख भी लूंगा तो आपके तीनों बेटे खेल खेलते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाइए। तो बोले क्या भगवान नहीं है, मेरे को कोई नहीं बचाएगा। उस पुलिस ने क्या किया मालूम है? बोले देखो यहाँ एक महात्मा है, वो आपको 24 घंटा ही तीनों इन तीनों बेटों को भी ठुकवा देंगे और आपको न्याय भी देंगे। तो उसने मेरा नंबर लिख के दिया। तो माता जी ने फोन किया, मैंने बोला आप कहाँ है, मैं ऑटो भेज रहा हूँ, ऑटो से मेरे यहाँ बुलाया। उनको बैठाया, खाना खिलाया, बहुत अमीर घर की थी वो, पैसे से कुछ नहीं होता, बेटा नालायक निकले तो सब वेस्ट है। फिर मैंने उनको बोला देखो तीनों बच्चों को पीट पाट के सीधा तो मैं कर दूंगा, लेकिन उनके बहू हैं वो वैसे ही ताना मारेंगे। तो अगर आप चाहें तो मैं ये मेरे पास पॉलिसी है, आप चिंता मत करो, कोई पुलिस बीच में नहीं आएगा। और नहीं तो आप यहीं रहो, मैं आपको एक कमरा देता हूँ, आजीवन आप यहाँ रहो मेरी माँ की तरह, और हम आपको अंतिम संस्कार तक मैं कर दूंगा, आपका पिंडदान भी मैं कर दूंगा। तो वो इतनी खुश हो गई, बोले अब बेटा मैं निश्चिंत से मरने को तैयार हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं। एनीवेज दुखद बात यह है कि वो बच्चों ने उसको मीठा बोल बोल के ले गए, माँ माँ थी वो बेचारी चली गई। एनीवेज दो दो महीने बाद न्यूज आया कि माताश्री नहीं रही, तो मैं समझ गया वो अलग चीज है। तो एनीवेज, तो पॉइंट क्या है कि देखिए भारत में आज भी एक कल्चर है, ठीक है, ये यहाँ जो मीटू मूवमेंट चला रखा था बदनाम करने के लिए, तो मीटू का बात नहीं है। आप वर्णाश्रम में रहिए, आप विवाहित रहिए, तो आपको क्यों कोई किसी नजर से देखेगा? लेकिन आप धर्म पालन नहीं करेंगे तो ये सब आएगा। तो ये सब जो वर्णाश्रम का ज्ञान है, देखिए हमारा ऑलरेडी धार्मिक रूल है, वर्णाश्रम हमारा धार्मिक रूल है, लेकिन हाँ वर्णाश्रम नहीं पालन करेंगे तो स्वाभाविक आप एक अधर्म का नियम पालन कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स का हो, चाहे नास्तिकों का हो, या किसी का हो। तो देश को तोड़ने के पीछे बहुत लोगों का हाथ था, क्योंकि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसमें इधर सोना ही सोना था, ये जानते हैं सब। यहाँ लूट लूट के सोमनाथ को इतनी बार लूटा, फिर भी वो सोने से अभी भी भरा हुआ। हाँ बात सोने का नहीं है, बात है कि हम अब इंटीग्रेटेड भगवान के केंद्र बिंदु से ही रहेंगे, वही फेविकॉल जोड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो ये है माता जी, हरे हाँ कृष्णा। हरे कृष्णा ठीक प्रभु जी है, मतलब हाँ एक माता जी का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर, क्योंकि टाइम हो गया। यस माता जी। माझी चुलती आहे प्रभु जी ती म्हातारी झाली अळशी बेळशी वय आहे आणि ना हातात माळ घेतात पण जनरल गोष्टी ह्या असतात की त्यांनी त्यांची मुलगी तिला किती मुलं आणि त्यांच्या वडिलांचं काय नाव आणि भगवंताचं नाव घ्यायचं नाही नुसतंच माळाचे मनी ओ म्हणजे मनी ओढतात प्रभूजी अशी वेळ ना येण्यासाठी काय करावं लागेल नहीं, वो ऐसा है कि जो जीवन भर माता जी का सवाल है कि मेरी जो चाची है माता जी की, वो बूढ़ी है, तो बोलते हो माला तो आदमी लेती है, दिन भर बेटा बेटी माए बाप ये सब बात करते रहती है। तो देखिए एक याद रखिए, जो माताएं होती हैं स्पेशली, वो ज्यादा आसक्त होती है अपने परिवार से, और उनको हर छोटे डिटेल का डेटा होता है। जैसे आदमी को ना घर का चीज पता नहीं होता कि कैसे क्या हुआ, लेकिन माता जी के पास जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो इमोशन या भावनाओं के साथ होता है। जब वो अपने पति पे गुस्सा निकालते हैं ना, तो सिर्फ डेटा नहीं बोलते कि मैंने आपके लिए 8 बजे खाना बनाया, वो इमोशंस बताती, तब मेरा हार्ट जल गया, मैं किसी को नहीं बोली, मुझे पेट में दर्द हो रहा था, मैं किसी को नहीं बोली। वो इमोशंस के साथ डेटा जाता है। आदमी का डेटा सिर्फ डेटा होता है, इनका इमोशन के साथ होता है। तो जो डेटा है, तो क्या है कि माताएं बहुत आसक्त होती हैं, तो अगर आपका आसक्ति आपने जीवन भर में नहीं छोड़ा है, वो बुढ़ापे में नहीं छूटेगा। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप माला भी देते हैं तो थोड़ा हरे कृष्णा, अरे नहीं बेटा वैसे नहीं करो, बेटा ऐसे नहीं करो, वो चलते ही रहेगा। तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपनी तरफ से ट्राई करिए कि आपके इस जीवन काल में आप अच्छे से लोगों को प्रचार करें, और अपने आप को भी इन आसक्तियों से दूर रखें। फिर भी स्वाभाविकता कुछ आसक्तियां आ ही जाती हैं जो नहीं छूटेंगी, तो ठीक है, फिर भी हरि भजन करिए, भगवान का कृपा प्राप्त करिए, भगवान उन चीजों को भी दूर कर देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी समय समाप्त हो गया है, 9:22 हो गया है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण।